महादेव की, तारकेश्वर महादेव की। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में पूरे फॉर्म में विपक्ष पर बरस रहे हैं। संदेश खाली के बाद प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी की सरकार पर घोटालों वाला वार किया। टीएमसी ने यहां प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में घोटाला किया, किया कि नहीं किया, घोटाला किया कि नहीं किया। टीएमसी ने यहां म्यूनिसिपालिटी भर्तियों में घोटाला किया कि नहीं किया, घोटाला किया कि नहीं किया। टीएमसी ने यहां सरकारी सामान की खरीद में घोटाला किया कि नहीं किया, घोटाला किया कि नहीं किया। टीएमसी ने यहां गरीब को राशन देने में घोटाला किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया। गरीब और मध्यम वर्ग की जमीन पर कब्जा करना हो, चीट फंड योजनाओं में घोटाला करना हो, और इसलिए देखो टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, नोटों के ढेर। बंगाल के वीर पुरुषों का पीएम ने फिल्मी अंदाज में कहा कि मेरी गारंटी है लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा, मोदी झुकने वाला नहीं है। क्या ये टीएमसी की लूट में चलने दूं क्या? ये टीएमसी जो करती हूं मैं करने दूं क्या? ये पैसा आपका है कि नहीं है? ये बंगाल के लोगों का पैसा है कि नहीं है? आपकी मेहनत का पैसा है कि नहीं है? क्या औरों को लूटने दूं क्या? अगर मैं लड़ाई लड़ता हूं तो सही करता हूं नहीं करता हूं? ये लुटेरों के पीछे मैं कदम उठाता हूं, अच्छा कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? मैं आज बंगाल को वादा कर रहा हूं, मेरी गारंटी है ये लूटने वालों को, ये लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा। टीएमसी पर वार के बाद प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भी प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस संदेश खाली पर कहती है कि बंगाल में तो ये सब चलता रहता है। उधर कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकले हैं, इसलिए वो झूठ से जनता को भटका रहे हैं। ये इलेक्टोरल टूरिज्म आप कह सकते हैं, ये चुनावी यात्रा में चुनावी पर्यटक देश की कोने कोने घूमेंगे, ये स्वाभाविक है। बंगाल के भी दौरा करेंगे, ये भी स्वाभाविक है। बंगाल के आम लोगों को गुमराह करने के लिए, निगाहों भटकने के लिए। बंगाल में बीजेपी 2014 के बाद से हाइपर एक्टिव है, क्योंकि बीजेपी बंगाल में कभी सरकार नहीं बना सकी है। फिलहाल बंगाल में बीजेपी और टीएमसी का रिपोर्ट कार्ड समझिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महज 2 सीटें मिली थी। बीजेपी को 2014 में 17% वोट मिले थे, लेकिन 2019 में चमत्कारिक रूप से बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 41 हो गया और बीजेपी ने 2 सीटों से सीधे 2019 में 18 सीटों पर भगवा परचम फहराया, जबकि 2014 में करीब 40% वोट और 34 लोकसभा सीटें जीतने वाली टीएमसी 2019 में 43% वोट के बावजूद 22 सीटों पर सिमट गई थी। आने वाले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर कमल खिले, खिलेगा, खिलेगा। टीएमसी को घमंड है कि उसके पास एक निश्चित वोट बैंक है। इस बार टीएमसी का ये घमंड भी टूटेगा। इस बार मुस्लिम बहन बेटियां भी टीएमसी के गुंडा राज को उखाड़ फेंकने के लिए आगे आएगी। 4 साल के भीतर पीएम मोदी ने हुगली में सीएम ममता बनर्जी पर जोरदार प्रहार किए, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही राजभवन में दोनों की मुलाकात भी हुई, जहां दोनों के बीच कई मसलों पर बातचीत हुई। बीजेपी संदेश खाली को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है,
तो टीएमसी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर पलटवार करने में देरी नहीं की। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, कैन यू हियर द मन की बात ऑफ द मनरेगा डिप्राइव्ड बेनिफिशियरीज इन बंगाल? आर यू अवेयर दैट यू हैव स्टॉप्ड द फंड्स, नॉट हेल्ड देम, बट यू हैव एक्चुअली स्टॉप्ड फंड्स टू बंगाल? एंड ऑल्सो यू स्पीक अबाउट मोदी की गारंटी, बट डज मोदी की गारंटी गिव अ गारंटी दैट यू विल नॉट शेल्टर करप्ट पीपल? और आर वी गोइंग टू सी दैट यू आर शेयरिंग द स्टेज विद शुभेंदु अधिकारी हु इज नेम्ड इन एन FIR विद द CBI? संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने जितने अत्याचार सहे उसे सोचकर भी उनकी रूह कांप जाती है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बावजूद संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं खौफ में जी रही हैं। আমরা এখনো ঠিকঠাক নেই, আমাদের এখনো ভয় আছে, কারণ উত্তমরা শিবু হাজারা শেখ শাহজাহান তার ভাইরাও বলেছে যে যারা যারা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছে তাদেরকে চিনে রাখছি, মুখ চিনে রাখছি, পরে আমরা ফিরে এসে তাদের সঙ্গে ব্যবস্থা হবে আমাদের, তাহলে আমরা কি করে ভালো থাকবো এখানে? এখনো তো আমাদের ভয় আছে। अभी भी आप लोगों का डर है, ये बता रहे हैं कि अभी भी धमकी मिल रही है, और क्या चाहिए आप लोगों को? शेख शाहजहां अभी तो गिरफ्तार हो गए, की चाहिए এখন আমরা ওদের ফাঁসি চাই, ওদের ফাঁসি হোক, ওদের ফাঁসি হলে আমরা আর কিছু চাই। संदेश खाली पर तृणमूल कांग्रेस की काफी किरकिरी हो चुकी है। टीएमसी पहले ही शाहजहां शेख की वजह से बैकफुट पर है। हालांकि सियासी मैदान में नफे नुकसान का आकलन करने के बाद ममता ने आरोपी शाहजहां शेख को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ममता ने दिखावे के लिए जो कार्रवाई की है उसमें भी काफी देर कर दी। के चुनाव आज तक।